इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फोटोशॉप के कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से जो एक्स्ट्राज हैं वो उनकी हमें कैनवास पे काम करते हुए ज़रूरत पड़ेगी, और जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे वो हमें जो है वो शुरू से ही उनको ऑन रखना पड़ेगा या उनको अपने मतलब रीच में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आप देखें ऊपर टॉप पे आपको रूलर नज़र आ रहे हैं कि ये रूलर है कि ये रूलर है। इस पर राइट क्लिक करें तो ये पिक्सल्स में इस वक्त मैंने सेट किया हुआ है, इंचज़ में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। उसके बाद ये लेफ़्ट पे भी रूलर आ रहा है, ये मेजरमेंट करता है कि हमारा मतलब जो ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उसकी हाइट या विड्थ कितनी है। जैसे अभी देखें ड्रैग करेंगे आप कोई शेप, मैंने अभी सेलेक्ट की है तो ये 496 पिक्सल्स बाय 254 पिक्सल्स उसकी हाइट आ रही है। एक तो ये रूलर आपके इर्द गिर्द होने बड़े ज़रूरी हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ पैनल, इन्फो पैनल और ये करेक्टर पैराग्राफ सेटिंग्स, करेक्टर सेटिंग्स हम बहुत ज़्यादा करेंगे। उसके बाद ये लेयर कॉम्प्स जो हैं ये बहुत हैंडी हैं, ये आप बस अभी याद रखें, ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये लेयर कॉम्प्स क्या हैं। उसके बाद जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उनकी बार बार, वो हम यहाँ पे रख लेंगे, और एक्सटेंशन जो हैं उनको यहाँ पे लोड कर लेंगे। ज़्यादा एक्सटेंशन ना लोड करें, जिनकी ज़रूरत है सिर्फ वही लोड करें। उसके बाद याद रखें कि हमने जो शुरू में अपना पैनल सेटअप किया था कि यहाँ पे स्वेचिज़ हैं और स्टाइल्स हैं और उसके बाद लेयर्स और पाथ्स हैं, ये सारे यहाँ पे सेटअप हुए हों। उसके बाद ये देखें ऊपर रूलर है, अगर रूलर आपका नहीं नज़र आ रहा तो आप कंट्रोल आर प्रेस करें तो आपका रूलर जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रूलर्स, ये देखें कंट्रोल आर का शॉर्टकट है। रूलर्स को आपने हाइड करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके व्यू में से जाके रूलर्स पे क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हैं, और या फिर आप शॉर्टकट की इसकी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल आर। उसके अलावा जो है यहाँ से आप देखें अगर आपने शो करवाना है, जैसे ये ग्रिड शो करवानी है, हम अक्सर जो है वो ग्रिड कभी कभार ऑन करेंगे देखने के लिए अपनी अलाइनमेंट और कुछ चीज़ें, ख़ासतौर पे मोबाइल डिज़ाइन में ये यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखें अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ग्रिड ऑन हो गई है, ये वही ग्रिड है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे, आपको शायद याद पड़ता हो, प्रेफरेंसेस में हमने ग्रिड्स में यहाँ पे सेट की थी, ग्रिड्स, गाइड्स एंड स्लाइसेस में। ये देखें ये ग्रिड कलर है, ये यहाँ से पिंक सा आ रहा है। ये एवरी 40 पिक्सल्स जो है ना, ये देखें बड़ा बॉक्स बॉक्स जो है वो तकरीबन हर 40 पिक्सल के बाद है, और ये जो छोटे बॉक्सेस आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन हर 2 पिक्सल के बाद है। और सब डिविजन्स 20 पिक्सल्स के बाद है। और ये तो हो गई हमारी ग्रिड, ग्रिड को अब हम हाइड कर लेते हैं, और अगर रूलर हाइड करने हैं तो रूलर भी हम हाइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है कि रूलर वैसे नॉर्मली हमारे हर टाइम ऑन ही रहेंगे। यहाँ पे जो पैनल्स में चीज़ें हैं आपके टेक्स्ट और ये चीज़ें लाजमन हों, अगर नहीं है तो इनको आप विंडो से यहाँ से करेक्टर जैसे है, ब्रशेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, एडजस्टमेंट्स की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्शंस भी कभी कभार यूज़ होते हैं, कलर हिस्टोग्राम ये भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्फो पैनल, लेयर कॉम्प्स, लेयर्स और ये पाथ्स तो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी लेयर्स के साथ हैं, पैराग्राफ स्टाइल्स की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी ऑप्शंस और टूल्स तो ऑलरेडी चेक्ड हैं। बस मेरा ख्याल है हमारी अभी फ़िलहाल चीज़ें हमारी कैनवस पे पूरी हो गई हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com, और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं, नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में, एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं, तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे YouTube का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।